हेलो नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द दार्स पे बात करें राजस्थान की तो यहाँ पे कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कई ऐसी न्यूज लगातार सामने आती है जिसमें यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं को एक तरह से अपमान होता है सनातन का अपमान होता है कहीं मंदिर तोड़ दिए जाते हैं उनको पुलिस यहाँ पे ढूंढती रहती है लेकिन वो नहीं मिलते कहीं पे यहाँ पे मंदिर के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है कहीं पे क्या कर लिया जाता है ऐसा ही एक यहाँ पे ऐसे हैरान करने वाली न्यूज सामने आई है जिसके अंदर यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं का यहाँ पे अपमान तो किया ही है इसके साथ साथ यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे धर्म परिवर्तन का भी एक तरह से खेल चल रहा है सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर वीडियो को ज्यादा शेयर करना है आपको सभी तक पहुंचाना है ताकि इनकी असलियत सब तक पहुंचे अब मैं आपको बताता हूं एक किताब है जिसका नाम है हिंदुइज्म धर्म या कलंक ये किताब है यह किताब ए आर बाली द्वारा लिखी गई और इसे बांटने का आरोप स्कूल की टीचर निर्मला कामड़ पर लगा निर्मला कामड़ ये एक स्कूल की टीचर है ये क्या करिए बच्चों को यहाँ पे किताब बांट रही है और यहाँ पे उल्टी सीधी यहाँ पे बच्चों को सीख दे रही है कि यहाँ पे कुछ भी भगवान नहीं होता ऐसा नहीं होता उनका ब्रेन वॉश इस तरह से किया जा रहा है इसके अलावा ब्रह्मा जी के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसने अपनी बेटी के साथ में बलात्कार क्या इस तरह की बातें बच्चों को बोली जा रही है सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि बच्चों का यहाँ पे क्या कहना है इसके बारे में आज जो यहाँ विद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और छात्रों को भी कोई किताबें बांटने की यहाँ बात सामने आई है तो उसके बारे में बताएं वो किताबें बाँटती थी वो हमें कहती थी कि भाई आप ये किताबें लो आपके दिमाग में जो भी होगा वो बाहर निकल जाएगा और दूसरे धर्म का प्रचार भी करती थी क्लास में और हमें कहती थी कि ब्रह्मा जी हैं देवता नहीं है ब्रह्मा जी हैं जो अपने बेटे के साथ बलात्कार किया है और राम जी है, वो अपने दशरथ औलाद बात करें तो ये मामला है भीलवाड़ा के आसीन थाना क्षेत्र का जहाँ पे गांव रूपपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षिका निर्मला कावड़ को निलंबित करने की मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पे टीचर है जो लगातार ये पुस्तक अपने जितने भी बच्चे वहाँ पे क्लास पे उनको बांट रही है उनको यहाँ पे एक तरह से ब्रेन वॉश करिए कि आप ये जो भी तुम्हारे दिमाग में वो सारा निकल जाएगा इसको पढ़ो और सनातन के खिलाफ इस तरह की बातें बोल रही है ये यह यहाँ पे आपको किताब साइड में दिख रही होगी विवादित किताब को हरे रंग में यहाँ पे प्रिंट किया गया है इसके तीनों भाग एक से ही है इसमें ऊपर जवाहरलाल नेहरू के शब्द बताकर लिखा गया है हिंदू धर्म निश्चित तौर पर उदार व सहनशील नहीं है हिंदू से ज्यादा संकीर्ण व्यक्ति दुनिया में कहीं नहीं है ये यहाँ पे लिखा गया है ये देखिए ए आर बाली इसने पुस्तक लिखी है और अब यहाँ पे इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे उसमें किस तरह से आप हिंदू धर्म का अपमान किया गया है विष्णु को यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान को यहां इसमें कुत्ता बताया गया है ये इसके अंदर बताया गया है इसके अलावा काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता अगर आपको देखनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां जाके आप देख सकते हैं किस तरह से आप सनातन को अपमान करने का एक तरह से पूरी तरह से यहाँ पे प्लान चल रहा है और जब इस टीचर को पकड़ा गया तो ये बोल रही है कि मैं दलित परिवार से आती हूँ इस इस वजह से मुझे जानबूझकर यहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है और मैं यहां पे खुले में घूमती हूँ बाल खुले करके घूमती हूँ चश्मा लगाती हूँ इस तरह से मैं घूमती हूँ इस वजह से मुझे जान बुझ कर पे प्रताड़ित किया जा रहा है यह कहना है इस शिक्षिका का जो यहाँ पे जय भीम जय भीम के चक्कर में अंधी होकर इस तरह का यहां पे प्रोपोगंडा चला रही है बात करें इस किताब की तो इसको नागपुर के समता पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है तो यहाँ पे इस पब्लिकेशन के ऊपर भी केस होना चाहिए और इस टीचर का जैसे ही पता पड़ा कि इस तरह के काम करिए बच्चों ने बताया तो पूरे जो यहाँ पे हिंदू समाज है सारा हिंदू संगठन एक साथ आ गए इसका विरोध किया और इसको तुरंत यहाँ पे बर्खास्त करने की मांग करने लगे और इसके बाद में जिलाधिकारी ने यहाँ पे संज्ञान लेते हुए यहाँ पे जांच कमेटी पे बैठा दी खैर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए इनको जेल के अंदर सलाखों के पीछे यहाँ पे डालना चाहिए साथ में जो पब्लिकेशन है इस इसपे भी यहाँ पे केस होना चाहिए इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए आपका कहना है इसके बारे में नीचे आप कमेंट करें वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको भी सजा मिले और यहाँ पे जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी हो जाने प्ले काम जो कर दे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दे पास में जो घंटे का निशान है उसको जरूर दबा दे ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आज के वीडियो में तय मिलता, है। मिलता है तक के लिए धन्यवाद